रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मजे का ये बनता है, आप मेरी रेसिपी से बना के देखिएगा, आपको लाजमी पसंद आएगा। बहुत आसान सी है और उन्हीं तमाम घर के मसालों से हम इसको बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अपने बर्तन में जो है आधा कप ऑयल डालेंगे। अब हम इसमें दो अदद प्याज शामिल करेंगे। प्याज को मैंने बिल्कुल स्लाइस की सूरत में काट लिया है, आप चाहें तो इसको ऑमलेट स्टाइल का भी काट सकते हैं, कटिंग में कोई भी मसला नहीं है। साथ ही इसमें मैं कुछ गरम मसाले शामिल करूंगी। 4 से 5 अदद काली मिर्चें हैं, इतनी ही 5-6 लौंगे हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बड़ी इलायची मैंने ली, ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। अब प्याज को हमने सॉफ्ट होने तक पकाना है, लाइट सा गोल्डन कलर आएगा तो बस इसमें हम फिर कीमा शामिल कर देंगे। मैंने पालक डालने के लिए कीमे में ये मैंने 3 पाव पालक ली है, इसकी मैंने कटिंग करके धो के रख ली है। अब मैं इसमें 1/2 ग्लास पानी का शामिल कर रही हूँ और इसे 15 मिनट तक जो हमने इसको पालक को उबाल लेना है। ये देखिए प्याज हमारी साइडों से गोल्डन होना शुरू हो गई है, बस हमें इसको इतना ही कलर देना है, बहुत ज्यादा डार्क कलर हमने प्याज का नहीं करना है। तो इसमें मैं इसे कीमा शामिल करूंगी। मैंने बीफ का कीमा लिया है, ये मैंने 1/2 किलो लिया है, आप चाहें तो मटन भी ले सकते हैं और चिकन भी। अच्छा कीमा मैंने इसके मोदी मशीन पर डाला है, आप भी कोशिश करूंगा कि मोदी थोड़ा ज्यादा कीमा इस्तेमाल करें, जिन्हें कीमे के लिए चम्मच आते हैं तो पालक के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए चीने में जितना भी पानी था तकरीबन ड्राई हो चुका है और चीने जो कलर खत्म हो गया। अब इस पानी के बीच में लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, टेबल स्पून डाल रही हूँ और हम इसको लहसुन अदरक के साथ ही कम से कम 2 से 3 मिनट तक अच्छे तरीके से चीने से भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन भी खत्म हो जाए और वह अच्छी से मैच आने की हो जाए चीने में। तो ये देखते हैं तकरीबन 2 मिनट के करीब लगे हैं, बहुत अच्छा सा हमारा कीमा भुन चुका है लहसुन अदरक के साथ ही। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। ये मैंने लाल कुटी मिर्च ली है, ये 1 टीस्पून है, हल्दी 1/4 टीस्पून, कुटा हुआ धनिया मैंने लिया है ये 1 टेबल स्पून है, लाल कुटी मिर्च 1 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। मेहरबानी ये मसाले हम इसमें शामिल कर देंगे। कीमे को मसालों के साथ अच्छी तरीके से थोड़ी देर मिक्स करेंगे ताकि कीमे में तमाम मसालों का फ्लेवर हो जाए। अभी से बहुत बेहतरीन से खुशबू आने की हो गई है। साथ ही मैं इसमें टमाटर भी शामिल करूंगी। मैंने 2 दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं, उनको रफ भी काट लिए, ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको भी हम कीमे और मसालों के साथ अच्छे तरीके से भूनेंगे टमाटरों को भी। साथ में मैं 1 टेबल स्पून इसमें पानी भी शामिल कर दूंगी ताकि टमाटर भी हमारे सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छा मैंने इसमें 2 टेबल स्पून जो पानी डाला था उसके बाद मैंने इसको 2 मिनट के लिए ही कवर कर दिया था। तो देखिए टमाटर हमारे बहुत ही बेहतरीन गल चुके हैं। अब हम इसे अच्छे तरीके से मैश करके कीमे के साथ मिक्स कर लेंगे और बुनाई कर लेंगे इसकी अच्छे तरीके से ताकि जो है इसको ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा कीमे का। देखिए कीमा हमारा भून चुका है, बहुत अच्छे से हमने इसको बुनाई कर ली है। अब मैं इसमें 1 से 1.5 गिलास से करीब पानी शामिल करूंगी। तो ये देखिए मैंने 1.5 गिलास पानी शामिल कर दिया है कीमे में, बस अब इसे कवर करके रखती हूँ तकरीबन 20 मिनट के लिए। कीमा हमारा 20 मिनट में गल के तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम कीमे को देख लेते हैं, कीमा हमारा गल चुका है बिल्कुल अच्छे से भून भी गया है, ये देखें तैयार है आपके सामने। अब मैंने ये जो पालक बॉइल की थी इसको मैंने थोड़ा सा मैश कर लिया है, अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी। पालक को हमेशा आप खुले बर्तन में बॉइल करें और इतनी देर के लिए, तो पालक का कलर आप देखेंगे कि बहुत अच्छा जो है कलर रहता है, कलर इसका डार्क नहीं होता है, बहुत बेहतरीन बन के तैयार होता है। मैं आपके साथ 2 कीमे की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ, आप ये भी बना के देखिएगा, ये भी बहुत मजे की बनती है। देखिए बेहतरीन किस्म का हमारा पालक कीमा बन के तैयार हो रहा है, बहुत मजेदार बनता है। आप चाहे इसे चपाती के साथ खाएं या पराठे के साथ, दोनों तरह से मजेदार लगता है। मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला 1/4 टीस्पून शामिल कर रही हूँ, कुछ इसमें मिर्चें जाएंगी। अच्छा मेरे पास लाल वाली मिर्चें भी थी, मैंने वो भी इसमें काट के डाल दी है और कुछ हरी है ये भी शामिल कर रही हूँ। रेड चिली डालेंगे तो मेरा जैसे कलर भी बहुत ही खूबसूरत लगेगा अलग से। उसको मिक्स कर देंगे ताकि मिर्चों का और गर्म मसाले का फ्लेवर अच्छे तरीके से जो है कीमे में आ जाए। और मैं इसको मजीद 1 से 2 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी। तो ये देखिए हमारा कीमा पालक बनके तैयार हो गया है, बहुत ही लजीज बनके तैयार हुआ है। तो आप भी बनाएं
और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।